चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह के चरण में पहुंच जाने पर आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत के प्रयासों को और तेज करने पर बल दिया। पार्टी प्रत्याशी महेंद्र चौहान का रविवार को गांवों का तूफानी दौरा रहा तो पार्टी के कई नेताओं ने चुनावी कार्यालय में मोर्चा संभाला। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरि रत्न डबास ने दावा किया कि पूरे पलवल जिले में स्थानीय नेता महेंद्र चौहान की पार्टी टिकट दिए जाने पर खुशी की लहर है। हालांकि विरोधी अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों को जिताने का दावा कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि इनेलो को चहु और समर्थन मिल रहा है। स्थानीय होने तथा इनेलो की नीति कार्यक्रमों का फायदा महेंद्र चौहान को मिल रहा है। लोग अपने पढ़ाई की पहचान कर रहे हैं, कुछ बाहर के कैंडिडेट हैं, कुछ दलपत्र हुए, कुछ ऐसे हैं जिनसे पिछले सारे गुजारिश से लोग राजी नहीं है, खुश नहीं है। इस वजह से मेरे पलवल में पहली बार टिकट मिलने की वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उत्साह है। लोग महेंद्र चौहान को दिल जान से चाहते हैं और बढ़ चढ़ कर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वोट देंगे। किस कारण से ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टी के प्रत्याशी को लोग चाह रहे हैं? मैंने अभी बताया ना, कारण ये है कि अवतार भड़ाना कांग्रेस का वो दल बदलू है। दो बार पहले यहाँ फरीदाबाद वालों ने जिताया, फिर मेरठ भाग गया, अब यूपी से MLA बन के आ गया। वो पैसे की राजनीति करते हैं, उनका ना तो किसी इलाके से कोई मतलब है, ना कोई पार्टी से मतलब है, स्वार्थी आदमी है वो। अब मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा यहाँ से जाने के बाद दोबारा इस इलाके के लोगों को क्या बेवकूफ बनता, क्या लोग उसे वोट देंगे, फिर से वोट देंगे। दूसरा, कृष्ण पाल गुर्जर से भी लोग ज़्यादा खुश नहीं है उसके पिछले 5 साल के कार्यकाल से, जो थोड़ी बहुत उसके साथ संपत्ति है वो मोदी की वजह से। बाकी महेंद्र चौहान का तो मेन कारण है, लोकल है, श्री बात नहीं है। पिछले कई सालों से 20-25 साल से चौटाला परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, इलाके में उसका बहुत ही अच्छा समर्थन है। पर पहली बार ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि मोदी की लहर है इस बार फिर भी दोबारा से, इसलिए लोग किशन पाल गुर्जर को वोट दे रहे हैं अधिकांश मोदी के नाम पर। नहीं, वोट तो दे रहे हैं मोदी के नाम पर लहर वाली कोई हरियाणा में कोई लहर वाली बात नहीं है मोदी। योगेश चौहान ने कहा कि मीडिया में भाजपा और कांग्रेस या फिर आप जजपा की जीत के दावे जताए जा रहे हैं, परंतु असलियत यह है कि पलवल जिले की मान मर्यादा को ऊंचा करने के लिए इलाके का प्रत्येक मतदाता अपने ही प्रत्याशी को वोट देना पसंद कर रहा है। हम फरीदाबाद में जाकर उनका समर्थन मांग रहे हैं कि अब तक हमने फरीदाबाद का नेता सांसद बनाया, इस बार पलवल को मौका दे दो। हमें पूरा भरोसा है फरीदाबाद में भी पलवल के प्रति सहानुभूति है। हवा हमारी पार्टी की एक तरफा है, उसमें देखने वाली बात सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आप टीवी को जिसमें जी न्यूज़ हो गया, फलाना न्यूज़ हो गया, जो हाई स्केल पे खरीद रखे हैं, जनता भी बोल रही है, टीवी को और सोशल मीडिया को एक बार साइड में रख दो, जनता की जो आवाज़ है ना वो हमारे साथ है। आप अगर उसको साइड में रख के देखोगे तो आम लोगों को दिल से जो हमारे साथ लग रहे हैं वो है। अब क्या हो रहा है, मीडिया पे दिखा रखा है पूरा पैसा लगा के कि भाई ये देखो जो वो सोचते हैं, जो बीजेपी सोचती है वो लोगों को दिखा रही है और लोग उस पर फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बीजेपी पीछे पे चढ़ गई है, रोज तो डाल रहे हैं लेकिन लाइक नहीं मिल रहे हैं। ये क्या कारण है कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार से बढ़ाना पलवल जिले में अभी तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंच नहीं बना पाए हैं, और बीजेपी का जो चुनावी प्रचार है उसके प्रत्याशी 3-3, 4-4 दौरे कर चुके हैं? ऐसा है, आपको पता है कांग्रेस में क्या चल रहा है, पहले करण दलाल से हाँ कर लेते हैं, उसके बाद फिर ललित नागर जी आते हैं, उसके बाद फिर अवतार भड़ाना जी आते हैं, तो इनका कोई ज़्यादा सा पब्लिक में है नहीं कुछ भी, केवल एक हवा है। वो हवाई जहाज कब उतरेगा, कब लैंड करेगा, 12 तारीख को तो इलेक्शन है, हम भी तो बैठे हैं, आए तो सही कोई, बिल्कुल। अब क्या करें, कार्यालय तो खोल लिए, अब 12 तारीख तक ही अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे और उस कार्यकर्ताओं में 100 कार्यकर्ताओं में 20 मनेंगे और 20 नहीं मनेंगे, ये इनकी स्ट्रेटजी रहेगी। इससे ज़्यादा जनता तक नहीं पहुँच पाएंगे, ये केवल यू है भाई, यू कर देंगे। अरे आओ तो सही, हमने तो कर दिया, हमने अब तक 200 गाँव कर लिए, जनता का प्यार है हमारे साथ, जनता कह रही है भाई हम इनसे दुखी हो गए, ऊब गए 20 साल से, कभी एक कृष्ण पाल डागर, कभी अवतार बढ़ाना, क्या इन पे ही रह गया क्या? जनता नयापन चाह रही है। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात ये है कि पलवल जो है ना, पलवल के जनता, चाहे वो 36 बरादरी,
वो हमारे साथ लगी, वो यूँ कह रही है भाई हम कब तक उनको बनाते रहेंगे, कब कब तक यूँ कह रहे हैं। आपकी भी लड़ाई पलवल और फरीदाबाद जिलों के बीच में बटकर रह गई है। बिल्कुल रह गई है, और हम फरीदाबाद वालों से समर्थन मांग रहे हैं बार कि भाई अब तक हम आपकी सहायता करते रहे और इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, जो आपने बनवा रहे हो जिनसे हमें जिनको आप खाली दे के भेज देते हो। पलवल वाले यूँ कह रहे हैं भाई अब की बार हमारे साथ लगो, कुछ नयापन होगा और हम विकास यहाँ का नहीं काफी पलवल का, हम फरीदाबाद तक का विकास करेंगे। इनसे जनता उगी, नयापन चाह रही है जनता, नयापन। आपकी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक क्या पलवल आएंगे? स्टार प्रचारक हमारी पार्टी की तरफ से ये यूथ है, हर आदमी स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारक का मतलब ये नहीं है अब इनकी जड़ें हिलने लगी है, कोई कहता है अमित शाह को बुला देंगे, कोई कहता है सोनिया गांधी को बुला नहीं देंगे। आपकी पार्टी जैसे अभय चौटाला हो गए पार्टी के, अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम है नहीं, आगे होगा तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे यूथ ने आम जनता ने अपने आप को ही स्टार प्रचारक बना रखा है, वही हमारी जीत का मेन कारण है, कारण रहेगा। आप अपनी पार्टी का मुकाबला किससे मानते हैं? हम अभी सब जो भी पार्टी है, एक पार्टी चार हो रही है, एक तो होगी इनेलो, एक होगी कांग्रेस, एक होगी बीजेपी। बीजेपी का उम्मीदवार सुबह घर से चलता है तो कहता है आज कहीं विरोध ना हो, बस वो तो डरा हुआ चौपालों पे भी नहीं चढ़ रहा है गांवों की में, वो कहता है घर में प्रोग्राम करवा दो, चौपालों पे मत चढ़ाओ, क्योंकि घर में तो आदमी कुछ कह नहीं सकता, चौपालों पे विरोध करना पड़ जाएगा। 10 मई को अमित शाह पलवल दौरे में आना था लेकिन उनका कैंसिल हो गया, क्या वजह हो सकती है, क्या मानकर चल रहे हैं आप लोग? वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी जड़ें हिल गई हैं, पसीने आ गए हैं, ये अमित शाह को क्या किसी को बुला ले, जनता हमारे साथ लग गई है, जनता हमारे साथ लग गई है, अमित शाह को बुला ले या किसी को बुला ले, और इसलिए कैंसिल कर दिया, आगे कहीं और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए, आए तो सही, हम तो मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। जवाहर डागर ने कहा कि आज इनेलो के पार्टी झुकाव बढ़ रहा है, लोग हमारे उम्मीदवार महेंद्र चौहान को जिताने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक का जो चुनाव प्रचार है वो इंडियन नेशनल लोकदल के हक में है, हमारे मुकाबले में कोई हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। क्या वजह है जो आप ये मानकर चल रहे हैं कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है? देखो पहली बार पलवल में टिकट मिली है, और एक ऐसे इंसान को मिली है, एक सच्चे किसान पुत्र को टिकट मिली है, और हमारे सामने तो हर बेट फरीदाबाद से कभी कृष्ण पाल गुर्जर जी, कभी अवतार भडाना जी, अवतार भडाना जी, ये नहीं पता सुबह बीजेपी में जा शाम के बहुजन के जाना रहे जयपुर के। किन किन विधानसभा क्षेत्रों में आपको बढ़त मिल रही है? हमें सारे विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त है, 9 के 9 में पहली बार। हम पल्ली समर्थन मांग रहे हैं इनके आतंकवाद से, पल्ले लोग दुखी हैं, जो हर बेर कभी भडाना जी कभी कृष्ण पाल गुर्जर जी लोग पत्थर बरसा रहे हैं, हमारे तो मुकाबले में नहीं है ये। आपने अवतार सिंह भडाना की बात करी, कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार सिंह भडाना के बारे में, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं नवीन जैन, बीजेपी के कृष्ण पाल गुर्जर हैं, बसपा से मनदीप सिंह मान है, आपकी पार्टी का मुख्य मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुख्य मुकाबला अभी वो इस मुकाबले को देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस इनेलो के सामने कौन मुकाबले पावे। पहले नंबर पे आज इनेलो है, हमारा चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया अभियान से चल रहा है, कम से कम 400 से 450 काम कम्प्लीट कर लिए और डोर टू डोर कर लिए। चौधरी महेंद्र सिंह चौहान जिंदाबाद। जो पार्टी चुनाव प्रचार पर खर्चा कर रही है, बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, क्या आपकी पार्टी भी उसी पैटर्न पर है? देखो हमारी जो पार्टी है वो किसानों की पार्टी है, जो हमने जो टिकट दी है वो किसान पुत्र को टिकट दी है, उनकी एक साफ छवि है, एक बहुत ही अच्छे परिवार से है सामाजिक, वो तो दोनों एक की तो ये पता ना लगे सुबह जन के बजे उठे के बजे जाकर नारे जा लगा।